बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको अंडों का कौरमा बनाना बताती हूँ। अंडों का सालन कह लें, इसको कौरमा कह लें, कुछ भी कह लें। तो यहाँ पर मैंने 5 अंडे लेके इसे बॉईल कर लिया है। फिर चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब अंडों को हम थोड़ा सा इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और जिसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। जब तक ये हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं ये प्याज और टमाटर को पेस्ट बना लेती हूँ, ताकि हमारे सालन में प्याज और टमाटर हमें ऊपर ऊपर तैरती हुई जो नज़र आती है वो इस तरह से ना आए। तो मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ जब तक हमारे अंडे भी फ्राई हो जाएंगे। देखिए अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं। बस इतना कलर देने के बाद अभी हम अंडों को निकाल लेंगे। देखिए हमारा तेल गर्म है जहाँ पर जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे। अब इसमें ही सबसे पहले हम अपना ये साबित गरम मसाला जिसमें हम तेज़पात डालेंगे इसके अंदर। ये मेरे पास 4 लौंग और 2 छोटी इलायची ये डाल देंगे। ये डालने के बाद तकरीबन 1 छोटी चम्मच सफ़ेद जीरा डालेंगे। ये डाल दें सारी चीज़ें, ये जब थोड़ा कड़कड़ाने लगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 3 हरी मिर्च है जिसे मैंने बीच में से काट लिया है, ये डाल देंगे। ये डालने के बाद 1 चम्मच हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को इसके साथ भूनने के बाद यहाँ पर मैंने जो प्याज लाल प्याज का और 2 टमाटर डाल के इसका पेस्ट बनाया था ये इसमें हम डाल देंगे। ये डालने के बाद साथ ही आप इसमें हसबी जायका नमक डाल दें जितना आप पसंद करते हैं। ये करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें अपने दूसरे स्पाइसेस भी डाल देंगे। इसमें तकरीबन 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये डालने के बाद 1/4 गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये डालने के बाद तकरीबन 1/2 चम्मच ये पिसा हुआ धनिया है जिसे मैंने रोस्ट करके पीस लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। ये सब डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे। मसाले को इसे अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए भूनेंगे हम। ये 5 मिनट के लिए मसाला भूनने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 छोटे छोटे आलू थे जैसे मैंने इस तरह के पीसेस में छोटे छोटे काट लिया, ये इसमें डाल दें। ये डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 1/2 कप पानी डाल देंगे और फिर इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारे आलू भी गल जाएं। और जब हमारे आलू गल जाते हैं तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अभी फ़िलहाल हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसे ढककर पकाएंगे। ये यहाँ जिसमें मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था उसी को मैंने उसमें पानी डाल के और इसे अब मैं तकरीबन उस टाइम तक इसे ढक के पकाऊंगी जब तक हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और अच्छी सी हमारी ग्रेवी भी बन जाएगी। ये देखें हमारे आलू भी गल गए हैं और हमारी ग्रेवी भी इस तरह से थिक सी हो गई है। अब ये जो बॉयल्ड अंडे हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से हिला दें और 5 मिनट का हम इसे दम देंगे। दम देने के बाद फिर मैं आपको इसे का फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखें अब इसे 5 मिनट का दम आ गया है। इसे थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क लें और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडों का कोरमा या आलू अंडा सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बना है। तो इसे आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मेरा इंस्टाग्राम भी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, इसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।